नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क, में हूं मनोज दारा। और आज हमारे स्पेशल शो द म्यूचुअल फंडास में हैं हम, एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस में। और हम बात करेंगे एक ऐसे सीआईओ से जो लगभग 1,00,000 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट हैंडल करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। हम बात करेंगे श्री नवनीत मनोज से। नवनीत, वेलकम टू द शो। लार्जली अगर हम SIP की अगर हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर लेकर गोइंग फॉरवर्ड रिटेल पार्टिसिपेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो SIP हैज इंक्रीज्ड फिनेंशियल। अगर अब मार्च एंडिंग में अगर हम देखें तो SIP के रूट से जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, दैट इज इंक्रीज बाय 26% वर्सेज अ फॉल ऑफ 9% इन इंडेक्स फॉर द सेम पीरियड। तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये दर्शाती है इन्वेस्टर्स में कितनी मैच्योरिटी आ गई है। इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि SIP एक बहुत अच्छा जरिया है लंबे पीरियड के लिए निवेश करने का। पिछले कई वर्षों में म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी मेहनत करी है। अगर आप ओवरऑल कैंपेन्स देखेंगे, द इन्वेस्टर एजुकेशन कैंपेन्स देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रेगुलेटर्स, म्यूचुअल फंड सब ने मिल के टॉप 15-20 सिटीज़ जहाँ से ज़्यादा पैसा आता था, दूसरे छोटी जगहों पर भी म्यूचुअल फंड्स अपना पेनिट्रेशन बढ़ा रहे हैं। एडवाइजर्स मेहनत कर रहे हैं, रेगुलेटर्स ने काफ़ी हेल्प करी है। जो इन्वेस्टर एजुकेशन फंड जो है म्यूचुअल फंड्स का, उसकी वजह से अवेयरनेस बढ़ रही है। और म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न्स हैं, जो परफॉर्मेंस है पिछले कई वर्षों से, इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि सबसे अच्छे जो रिटर्न्स बन सकते हैं दूसरी एसेट क्लासेस के की जगह पर, रियल एस्टेट या गोल्ड जहाँ पर पैसा जाता था या बैंक डिपॉजिट्स, सबको लग रहा है कि म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छा जरिया है और SIP सबसे बढ़िया है। अभी 1 करोड़ से ज़्यादा SIPs हो गई है इंडस्ट्री में और ये तो शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि बहुत सारे करोड़ों इन्वेस्टर्स अभी हैं जिन्होंने पैसा नहीं लगाया बाजार में। SIP एक बहुत अच्छा जरिया है उनके लिए। श्योर, जैसे आप बता रहे थे नवनीत, यहाँ पे लेकर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ SIP एंड रिटेल इन्वेस्टर्स को ये बहुत अच्छा ऑप्शन भी है सामने। बट अगर हम आपके टॉप फंड्स की अगर हम बात करें तो SBI ब्लू चिप फंड एक ऐसा फंड है आपका जिसने 5 ईयर्स का एवरेज अगर हम देखें तो लगभग 15% रिटर्न पर एनम दिया हुआ है वर्सेस द ग्रोथ ऑफ 8.5% इन द इंडेक्स। तो उसकी पीछे की सक्सेस स्टोरी आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? सो एज अ हाउस SBI म्यूचुअल फंड में हमारा जो फोकस है वो स्टॉक सिलेक्शन पर है। हमको लगता है इंडिया स्टॉक पिकर्स पैराडाइज है। यहाँ पर आप मार्केट टाइमिंग, बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये मैक्रो देखो, उसकी जगह पर अगर आप फोकस करें किस तरह से हम अच्छी कंपनी चूज करें। आपने ब्लू चिप की बात करी तो ब्लू चिप में करीब कम से कम 80% लार्ज कैप कंपनीज में रहता है, करीब अप टू 20% मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्मॉल कैप में नहीं करते। तो प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप फंड है, बट लार्ज कैप के अंदर भी हम कोशिश करते हैं कि जो कंपनी 2-3 साल के अंदर बेहतर रिटर्न्स दे सकती है उन कंपनीज के शेयर्स, कंपेयर टू द ओवरऑल इंडेक्स में तो बहुत सारी कंपनीज है, बट ऐसी कंपनी चुनना जहां पर बाजार से बेहतर रिटर्न आ सकता है। तो बाजार से काफी बेहतर ब्लू चिप ने किया पिछले कई वर्षों में। ये तो हुई आपकी लार्ज कैप फंड की बात और ब्लू चिप फंड की बात, लेकिन आपका जो मिड कैप SBI मिड कैप फंड है उसने वूपिंग 22% रिटर्न दिया हुआ है 5 ईयर्स का अगर हम एवरेज देखें पर एनम वर्सेस अ राइज ऑफ 11.5% पर एनम। तो इसके पीछे का सक्सेस स्टोरी भी क्या है, इफ यू कैन जस्ट एलाबोरेट? वही है राइट स्टॉक सिलेक्शन, जो हमारी रिसर्च कैपेबिलिटी है, लार्ज टीम है और जो फंड मैनेजर है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि किस तरह से अच्छे मिड कैप स्टॉक्स। और जब मिड कैप लेते हैं तो हम 3-5 साल का सोचते हैं कि कौन सी कंपनी अगले 6 महीने में अच्छा करेगी या स्टॉक अच्छा करेगी, वो हम नहीं देखते हैं, बट 3-5 सालों में कंपनी का क्या कंपेटिटिव एडवांटेज है, बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट क्वालिटी, रिटर्न रेशोज, ग्रोथ पोटेंशियल, वो सबको देखते हुए कुछ अच्छी कंपनियां जो बेहतर प्रदर्शन कर सकती है अगले कई वर्षों में और वो रिजल्ट्स में है, अभी परफॉर्मेंस दिख रही है उन कंपनियों ने कितना अच्छा किया है। श्योर, जैसे आप बता रहे थे आपके लार्ज कैप फंड और मिड कैप फंड के बारे में भी आपने बात की, बट हम मार्केट्स की तरफ चलते हैं और यहाँ से लेकर अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो एक टिपिकल पैटर्न हमने देखा हुआ है लास्ट 4 महीने से। और ये भी एक ऑब्जर्वेशन है कि जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में तो मार्केट बढ़ रहा है। जैसे लास्टली अगर हम जैन से लेके फेब का पीरियड देखें तो देवर सेलिंग, तो मार्केट वॉज फॉलिंग। मार्च में उन्होंने इन्वेस्ट किया तो मार्केट बढ़ रहा है, अभी वापस से पैसा निकाल रहे हैं तो मार्केट गिर रहा है। तो ये कब तक डोमिनेंस हम देखते रहेंगे, क्या म्यूचुअल फंड लीड करते हुए हम कभी देख सकते हैं? सो पिछले एक वर्षों में हमने देखा है कि जब भी FIIs की बड़ी सेलिंग हुई है तो काफ़ी हद तक
जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सेलिंग को एब्जॉर्ब कर पाए। पर अभी भी एफआईआई का टोटल जो मार्केट का होल्डिंग है वो म्यूचुअल फंड से काफ़ी बड़ा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। दे ओन ऑलमोस्ट 23-22% ऑफ द टोटल मार्केट। तो जो फ्लोटिंग स्टॉक है उसका तो और भी बड़ा परसेंटेज हो गया। बट धीरे धीरे जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स में फ्लोज आ रहे हैं, जिस तरह से अभी ईपीएफओ का और दूसरे पेंशन फंड्स का पैसा आना चालू हो गया है, हमने एसआईपी फंड्स की बात करी, एक समय आएगा जब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इतने बड़े हो जाएंगे कि हमारी ये जो उतार चढ़ाव बाजार का हम देखते हैं, एफआईआई के फ्लोर पर इतना निर्भर करते हैं, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ जाएगी बाजार में आना, तो उतना ही जो हमारा जो हम निर्भर रहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पर, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। मार्केट्स की अगर हम बात कर रहे हैं और लार्जर एफआईआई फ्लोस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ग्लोबल वॉलिटिलिटी पे चाइना विल कंटिन्यू टू बी अ थ्रेट फॉर इंडिया, और आपको क्या लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड पिक्चर कैसे पैन आउट होती है, दिख रही है आपको? तो जो बाजार में कंसर्न थे जनवरी फरवरी जब सारे ग्लोबल मार्केट्स गिर रहे थे, इंडिया का मार्केट भी गिरा था जैसे आपने बोला, तो उस समय जो बड़े कंसर्न थे कि चाइना की इकोनॉमी का क्या होगा, स्लो डाउन है, करेंसी कितनी डेप्रिसिएट हो सकती है, चाइनीज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बाहर पैसा अपना भेज रहे हैं, क्या होगा उनकी करेंसी का, मार्केट का, इकोनॉमी का, लोगों को कंसर्न था यूएस फेड रेट हाई करेगी उसका क्या इंपैक्ट होगा, लोगों को कंसर्न था कि ऑयल अगर $28 पर रहे या नीचे चले जाए तो कमोडिटीज कंपनी का क्या होगा, वहाँ बैंक्रप्सीज हो सकती हैं और उसका ओवरऑल ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर पर भी इंपैक्ट आ सकता है। जैसे ही ऑयल प्राइजेज ऊपर जाने चालू हुए तो उसने थोड़ी सी स्टेबिलिटी दी, कमोडिटी प्राइजेज ऊपर गए, चाइना ने काफ़ी स्टिमुलस किया, बहुत मैसिव स्टिमुलस किया लास्ट 3 महीने में। तो जैसे ही थोड़ा सा वहाँ पर स्टेबलाइजेशन आया, कमोडिटीज प्राइजेज ऊपर गए, तो इमर्जिंग मार्केट जो काफ़ी गिर गए थे वहाँ पर पैसा आना चालू हो गया, वैल्यूएशन थोड़े चीप हो गए, तो वो जब पैसा आया तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में हमको एक स्टेबिलिटी देखने को मिली। यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ जापान ने काफ़ी मनी प्रिंटिंग करी पिछले कुछ महीनों में, इंटरेस्ट रेट्स नेगेटिव कर दी, तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आया। बट ऑब्वियसली मार्केट्स काफ़ी चल गए हैं, थोड़ा करेक्शन जरूरी था, वॉलिटिलिटी काफ़ी कम हो गई थी और थोड़ा करेक्शन लाजमी था ग्लोबल मार्केट्स में, और हम देख रहे हैं वो करेक्शन अभी। श्योर, आपने मेंशन किया क्रूड का और आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि व्हाट आर द रीजन व्हाई इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लोज आए थे बिकॉज ऑफ द क्रूड फैक्टर। बट क्रूड प्राइसेस की अगर हम बात करें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान इज ऑलरेडी देयर, तो अगर ये बढ़ता है तो ये सिचुएशन को आप कैसा देखते हैं और गोइंग फॉरवर्ड आपका क्रूड पर आउटलुक क्या है? सो हमारा स्ट्रांग व्यू था कि ऑयल जब $27-28 था, लोग सोच रहे थे $20 का प्राइस हो जाएगा, तो मुझे लग रहा था कि नहीं, शायद $40-45 हम देखेंगे। वहाँ पर ऑलमोस्ट हमने $48 तक क्रूड ऑयल चला गया था, बिकॉज जो यूएस शेल में भी प्रोडक्शन धीरे धीरे एट दैट लेवल कम होना चालू हो गया, रिस्क कम हो गई, जो ओपेक और नॉन ओपेक कंट्रीज है सबने एटलीस्ट बात करना चालू करा कि किस तरह से हम प्रोडक्शन फ्रीज करके प्राइजेस को स्टेबलाइज करें, और $20 ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इमीडिएटली अच्छा नहीं था, कुछ स्टेबलाइजेशन आ गया, पर बहुत ज्यादा ऊपर पुश करना भी मुश्किल है बिकॉज ओवरऑल अभी भी काफी ऑयल की सप्लाई है, काफी एक्सेस इन्वेंट्रीज हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट मेरे को नहीं लगता है कि हम इमीडिएटली $20 देखने वाले हैं, जो बाजार का मेजर कंसर्न था। आई थिंक $40 के आसपास भी अगर स्टेबल हो जाए, $40-45 के आसपास भी, तो भी अच्छा है। अभी वापस मई एंड में इनकी मीटिंग होगी ओपेक और नॉन ओपेक कंट्रीज की, तो वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट। श्योर, जैसे हम क्रूड की बात कर रहे हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करें, तो द बेंचमार्क निफ्टी इज ट्रेडिंग एट अराउंड 16 टाइम्स वन ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स। अगर हम उसको कंपेयर करें तो क्या आपको लगता है कि वैल्यूएशंस आर कैप्ड, और यहां से लेकर निफ्टी वैल्यूएशन पर आपका क्या व्यू है? सो हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास है, थोड़ा सा ज़्यादा है, वो ज़्यादा इसलिए कि अभी अर्निंग्स डिप्रेस्ड है। लास्ट कई वर्षों में, पिछले कई सालों में अर्निंग्स बढ़ नहीं रही है, जो हमारी लॉन्ग टर्म एवरेज है 14-15% की अर्निंग्स ग्रोथ की इंडिया की पिछले 15 साल की, बट पिछले 5 वर्षों में अर्निंग ग्रोथ बहुत कम थी, पिछले 1-2 सालों में तो अर्निंग ग्रोथ है ही नहीं बिल्कुल। ये जो डिप्रेस्ड अर्निंग्स लेवल है, यहाँ से कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफ़ी रिवाइव होगी अगले कई वर्षों में। अगर हम नॉर्मलाइज ग्रोथ पर जाते हैं 13-14-15% की ग्रोथ पर, तो बाजार उतना रिटर्न दे सकता है, इसलिए स्लाइटली वैल्यूएशन ज़्यादा लग रहे हैं। जब वो अर्निंग्स ग्रोथ आने लग जाएगी तब आपको वैल्यूएशन उतने ज़्यादा नहीं लगेंगे, और वैल्यूएशन इतने ज़्यादा भी नहीं है, हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास है। श्योर, 14 पॉइंट लगभग 10 अगर 10 साल का एवरेज देखें तो लगभग 14 टाइम्स के करीब उसी के आसपास है, और अर्निंग्स बिल्कुल डिप्रेस्ड है इस समय।